नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी मोटर के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न पिछले वीडियो थे उसमें थे डाल दिए थे, उनसे आगे के प्रश्न अब हम आज हल करेंगे। तो अपना आज का प्रश्न है, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके समानुपाती होती है? इनमें से किसके समानुपाती होती है? अब देखो, डीसी मोटर की गति पूछी है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किसके समानुपाती होती है? तो देखो, किन के समानुपाती होगी, इस सूत्र से हल कर लेते हैं। एन बराबर क्या होगा, ई बी इंटू 60 इंटू ए बट्टा फाई जेड और पी, ये होगा। एन बराबर पक्षांतरण करके बनाएंगे तो ये हो गया। तो एन समानुपाती ई बी, एन समानुपाती ए, एन समानुपाती एक बट्टा फाई यानी विलोमानुपाती हो गया, एन समानुपाती एक बट्टा जेड और एन समानुपाती एक बट्टा पी। अब देखो, किसके समानुपाती होती है? चालकों की संख्या के समानुपाती जेड, जेड के विलोमानुपाती होती है, तो ये गलत। चालकों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। फ्लक्स, फ्लक्स के भी विलोमानुपाती होती है। पश्च विद्युत वाहक बल ईबी के समानुपाती होती है। ध्रुवों की संख्या, पोलों की संख्या, पोलों की संख्या के भी विलोमानुपाती होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसके समानुपाती होती है? एन ईबी के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, पश्च विद्युत वाहक बल यानी ईबी। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी मोटर की गति विरोधी विद्युत वाहक बल के सीधे अनुपात होती है, और यानी डीसी श्रेणी मोटर की गति विरोधी विद्युत वाहक बल के सीधे अनुपात में होती है, यानी ईबी के तो समानुपाती होती है, और अब देखो, फ्लक्स के विलोमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्लक्स के सही है, फ्लक्स के समानुपाती होता है, गलत, फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। वोल्टेज के विलोमानुपाती होती है, नहीं। बल आघूर्ण के विलोमानुपाती होती है, इससे प्रभावित नहीं होती है ज़्यादातर। तो क्या हो गया, फ्लक्स के फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी संट मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होगी? यदि डीसी संट मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है, क्षेत्र धारा को घटाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा, यानी क्योंकि किसी मोटर के यानी फील्ड फ्लक्स फाई समानुपाती आई एफ, फील्ड करंट का मान परिवर्तित होगा तो फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्र धारा को घटाएंगे, आई एफ को घटाएंगे तो फाई घटेगा, फाई घटेगा तो गति बढ़ेगी क्योंकि इसके विलोमानुपाती है, तो क्या होगी, गति बढ़ेगी। फ्लक्स घट रहा है, गति बढ़ेगी, तो क्या होगा, गति बढ़ जाएगी यानी बढ़ेगी। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? विरोधी विद्युत वाहक बल को और क्या कहते हैं? विपरीत विद्युत वाहक बल, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, काउंटर ईएमएफ, धनात्मक। तो विरोधी विद्युत वाहक बल को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी काउंटर ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में पश्च विद्युत वाहक बल के विलोम व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ईबी किन के विपरीत होता है? विलोमानुपाती पूछा है, ईबी किन के विपरीत होता है? ईबी होता है समांतर पथ के विपरीत होता है, फाई जेड एन पी इनके समानुपाती होता है। तो क्या हो गया, फ्लक्स फ्लक्स के समानुपाती होता है। दूसरा है, समांतर पथों की संख्या के विलोमानुपाती होता है, यानी ए के विलोमानुपाती होता है। अगला है, ध्रुवों की संख्या पोलों की संख्या के समानुपाती होता है। आर्मेचर चालकों की संख्या जेड इनके भी समानुपाती होता है। तो किसके विलोमानुपाती होगा, ए यानी ए के या समांतर पथों के विलोमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है। देखो, डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर, मोटर के अंदर मोटर को हम कम्यूटर यानी कार्बन बूस्ट पर डीसी देते हैं,
और आर्मेचर चालकों में एसी में परिवर्तित कर देता है, तो कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है। यदि जनरेटर में पूछ ले तो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल एसी होता है, आउटपुट में डीसी मिलता है, तो कम्यूटेटर जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, जबकि मोटर के अंदर कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदल देता है। तो मोटर और जनरेटर दोनों में एकदम विपरीत रहता है, ध्यान रखना कम्यूटेटर का काम। यानी दिग परिवर्तक या इसे दिशा परिवर्तक भी कहते हैं, कि एक दिशा को दूसरी दिशा में बदलना, यानी एसी दे रहे हैं तो डीसी में बदल देगा, डीसी दे रहे हैं तो एसी में बदल देगा। तो जनरेटर में एसी पैदा होती है तो डीसी में बदल देता है, मोटर के अंदर हम डीसी देते हैं तो आर्मेचर चालकों में एसी में परिवर्तित कर देता है। तो मोटर के अंदर क्या हो गया, डीसी को एसी में बदलना, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, ऐसा इकाई में डीसी मोटर में बल आघूर्ण टॉर्क की इकाई क्या होती है। टॉर्क होता है एफ इंटू आर, टी बराबर होता है एफ इंटू आर, यानी एफ बल न्यूटन में, आर मीटर में। तो टॉर्क के बराबर होता है एफ इंटू आर, एफ किस में है, बल, बल इंटू त्रिज्या। तो बल किस में आ गया, न्यूटन में, आर किस में हो गया, मीटर में, तो न्यूटन मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क यानी बल आघूर्ण की इकाई, ऐसा इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अब इसमें ऑप्शन है नहीं है न्यूटन मीटर का, न्यूटन सेमी तो दे रखा है, जबकि ऐसा इकाई में पूछा है तो ऐसा इकाई न्यूटन मीटर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। इन ऑप्शनों में है नहीं ये ऑप्शन, तो न्यूटन मीटर होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी मोटर विराम की स्थिति में होती है तो पश्च ईएमएफ का मान क्या होता है। जब मोटर विराम स्थिति में होती है तो ईबी, विराम में यह हो गया शून्य, यानी प्लस हो जाएगा, जेड हो जाएगा, पी हो जाएगा, री हो जाएगा, एन शून्य हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा, ईबी भी शून्य हो जाएगा। तो यदि विराम स्थिति में है तो एन शून्य है तो ईबी भी शून्य होगा। तो यानी कोई भी मान लो इनका मान रखिए n शून्य करेंगे तो इसका जो भी मान आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो यदि विराम स्थिति में है तो पश्च ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 8 पोल वेव वाइंडिंग डीसी मोटर में के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखो क्या है, वेव वाइंडिंग, देखो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, लेफ वाइंडिंग है तो ए बराबर होता है, लेफ वाइंडिंग में ए बराबर होता है पी इंटू प्लेक्स। यदि वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर होता है दो इंटू प्लेक्स, यानी लेफ वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, पोलों की संख्या इंटू प्लेक्स होता है। यदि सिंप्लेक्स है तो यहाँ एक रखेंगे, ड्यूप्लेक्स है तो दो रखेंगे, और ट्रिप्लेक्स है तो तीन, क्वार्टरप्लेक्स है तो चार, जो भी पोलों की संख्या होगी। अब मान लो चार पोल है और सिंप्लेक्स है तो समांतर पथ हो जाएंगे चार, यदि चार पोल और ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है तो कितने हो जाएंगे समांतर पथ, आठ, यदि चार पोल और ट्रिप्लेक्स है तो कितने हो जाएंगे चार तरी बारह, यदि चार पोल और क्वार्टरप्लेक्स है तो कितने हो जाएंगे चार इंटू चार, कितना हो जाएगा सोलह, इस प्रकार से निकलेंगे। जबकि वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में दो इंटू प्लेक्स होते हैं, मान लो सिंप्लेक्स है तो दो इंटू एक कितने हो जाएंगे दो, ड्यूप्लेक्स है तो दो इंटू दो बराबर कितने हो जाएंगे समांतर पथ चार, ट्रिप्लेक्स है तो दो इंटू तीन कितने हो जाएंगे छः, क्वार्टरप्लेक्स है तो दो इंटू चार कितने हो जाएंगे आठ समांतर पथ। अब यदि प्लेक्स नहीं दे रखे हैं तो हम इसे सिंप्लेक्स ही मानेंगे, सिंप्लेक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाइंडिंग में ए बराबर पी हो जाएगा और वेव वाइंडिंग में ए बराबर दो हो जाएगा। तो इसमें वेव वाइंडिंग का पूछ रखा है तो समांतर पथ कितने हो जाएंगे दो। अगला क्वेश्चन है, मोटर में शाफ्ट के द्वारा स्थापित की जाती है, यदि मोटर है उसकी शाफ्ट किसके द्वारा स्थापित की जाती है, एंड कवर के साथ स्थापित की जाती है, यानी एंड प्लेट कह सकते हैं, एंड कवर कह सकते हैं, एंड कवर के अंदर जो बेयरिंग लगाए जाते हैं और उन पर शाफ्ट स्थापित की जाती है। तो इसमें देखो गियरकैप है, रोकर आर्म, पोल, शूज, एंड प्लेट, तो एंड प्लेट हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड प्लेट। अगला क्वेश्चन है, स्पीड रिंग यानी कम्यूटेटर किसके बने होते हैं, मैं यानी कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या कार्बन, तो इसमें क्या है, तांबा।
तो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो गया तांबा। अगला क्वेश्चन है, कुंडली के घूमते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उल्ट दी जाती है, यानी मोटर के अंदर जब आर्मेचर या कुंडली घूर्णित रहती है तो किसके द्वारा प्रत्येक आधे फेर चक्कर के बाद प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा की दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो धारा की दिशा में परिवर्तन कौन करता है? दिग परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। तो प्रत्येक आधे फेरे के बाद में धारा की दिशा में परिवर्तन कर देता है, तो ये हो गया कम्यूटेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिग परिवर्तक या कम्यूटेटर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी डीसी मोटर के बेग ईएमएफ और गति दो गुना कर दी जाती है तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा? देखो, मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क, मोटर किन का टॉर्क किन किन कारकों पर निर्भर करता है? मोटर का टॉर्क यानी टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट, और टॉर्क समानुपाती होता है फाई, यानी मोटर में उत्पन्न टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, और प्रतिपोल फ्लक्स या फ्लक्स के, या केवल फ्लक्स भी कह सकते हैं, तो फ्लक्स के भी समानुपाती होता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि डीसी मोटर में बेग ईएमएफ और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाता है। अब देखो, यहाँ बेग ईएमएफ और गति को दोगुना कर रहे हैं, यानी मोटर की गति है एन समानुपाती ई बी होती है, और एन समानुपाती एक बट्टा फाई होता है, तो यह मोटर की गति ई बी के द्वारा दोगुनी कर रहे हैं। यदि फ्लक्स को परिवर्तित करके मोटर की गति दोगुनी करते तो फ्लक्स से टॉर्क प्रभावित होता है, यानी ये लिख देते हैं कि फ्लक्स को परिवर्तित करके मोटर की गति दोगुनी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फ्लक्स गति दोगुनी कब होगी? फ्लक्स आधा हो जाएगा तब। तो फ्लक्स आधा होगा तो टॉर्क भी आधा हो जाता है, परंतु यहाँ से बेग ईएमएफ और गति दोनों को दोगुना करें, यानी बेग ईएमएफ को दोगुना करें तो गति दोगुनी हो गई। अब गति दोगुनी हो गई तो इससे कोई प्रभावित नहीं होगा टॉर्क, टॉर्क या तो प्रभावित होगा आर्मेचर करंट से या प्रभावित होगा फ्लक्स से, तो इस यह स्थिर है, तो इस मोटर की जो टॉर्क है वह पूर्ववर्ती रहेगा, यानी समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? वही रहेगा या समान रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर में एक डीसी बलागुण की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, यानी डीसी मोटर में एक डीसी बलागुण टॉर्क के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन देखो, सर्पण वाली स्लिप रिंग, स्लिप रिंग से नहीं होगा क्योंकि स्लिप रिंग से यानी एक डायरेक्शन, यानी जो ध्रुवता चेंज होगी तो धारा की दिशा चेंज होनी जरूरी है, तो एक दिशीय परिवर्तन होगा। ब्रश कम्यूटेटर बी और सी दोनों थायरिस्टर नियंत्रक, तो यानी कार्बन ब्रश यानी ब्रश और दिग प्रवर्तक है, इन्हीं के द्वारा डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कार्बन ब्रश का सेगमेंट को सप्लाई देता है और सेगमेंट धारा की दिशा में चेंज कर देता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश दोनों के द्वारा ही एक दिशीय डायरेक्शन पैदा की जाती है। अगला है, कम्यूटेटर खंड के बीच विद्युत रोधन होता है, दो दिग प्रवर्तक होते हैं उनके बीच क्या होता है? अभ्रक प्रयोग किया जाता है, यानी जो सॉफ्ट पर, जो मान लो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पर जो सेगमेंट लगाए जाते हैं इस प्रकार से, तो इन सेगमेंटों के बीच में जो रिक्ति रहती है, इन रिक्ति के अंदर अभ्रक प्रयोग किया जाता है, यानी अचालक के तौर पर अभ्रक या माइका कह सकते हैं, तो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटर खंडों के बीच जो रोधन है वो अभ्रक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं, यानी कार्बन ब्रश मोटर में क्यों प्रयोग करते हैं? कम्यूटेट, अब ऑप्शन देखो क्या है, कम्यूटेटर पर कार्बन जमा ब्रश से हटाना, कार्बन जमा ब्रश यानी कार्बन जमा होता है उसको हटाना, प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना, आर्मेचर घुमाव को अधिक गर्म होने से रोकना, कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग को रोकना, ये सभी। तो देखो, कम्यूटेटर पर कार्बन जमा ब्रश से हटाना ये नहीं होगा, प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना ये सही है इलेक्ट्रिक मोटर में। हाँ, तो करंट के मार्ग मार्ग प्रदान करना ये सही है।
आर्मेचर घुमाव को अधिक गर्म होने से रोकना ये फैन यानी कूलेंट या पंखा जो लगाते हैं वो काम करता है। कम्यूटेटर के दौरान कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग ये इंटरपोलर द्वारा रोकी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना यानी कार्बन बुरश धारा प्रवाह का एक मार्ग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब डीसी मोटर की चाल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डीसी मोटर की चाल बढ़ाते हैं एन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन देखो क्या होगा, बेग ई एम एफ बढ़ता है, धारा घटती है, बेग ई एम एफ घटता है। देखो चाल बढ़ाएंगे तो ई बी भी बढ़ेगा समानुपाती में, तो ई बी बढ़ेगा, ई बी बढ़ेगा तो अब धारा बढ़ेगी या घटेगी, यदि ई बी बढ़ेगा तो धारा घटेगी, क्यों, क्योंकि मोटर के अंदर मान लो पहले एक उदाहरण के तौर पर ही समझ लेते हैं, कोई मोटर है, मोटर का आर्मेचर है, चलो मैं मोटर ही बना लेता हूँ, ये मोटर है, यहाँ मान लो कि 200 वोल्ट आपूर्ति लगा रखी है, इसके अंदर ई बी विकसित हो रहा है, ई बी बराबर इसका कुल प्रतिरोध 1 ओम है मान लो, यानी आर्मेचर का जो भी है इसका प्रतिरोध 1 ओम है, ई बी बराबर मान लो कि 190 वोल्ट है। अब धारा क्या लेगा, ये धारा लेगा वी ए क्या होगा, यानी इस मोटर के अंदर जो शेष वोल्ट वो क्या होगा, आर्मेचर वोल्ट भी कह सकते हैं, इन दोनों का अंतर 200 - 180 यानी 10 और बट्टा 10 वोल्ट होगा वी ए। अब आई आई क्या होगी या मोटर की परिपथ करंट क्या होगी, आई बराबर वी अपॉन आर, वी का मान क्या है इस समय 10 वोल्ट यानी वी ए, और आर ए कितना है 1 ओम, तो कितनी हो रही है 10 एम्पियर। अब यदि चाल बढ़ाएंगे तो एन बी यानी एन बढ़ा रहे हैं तो ई बी भी बढ़ेगा, ई बी बढ़ेगा मान लो ई बी बढ़कर 195 वोल्ट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 200 - 195 5 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 बराबर धारा क्या हो जाएगी 5 एम्पीयर, तो धारा घट जाएगी। तो यानी चाल बढ़ाते हैं तो विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ता है और धारा घट जाती है, तो ऑप्शन देखो किस में है, ए ऑप्शन में सही है, बेग ईएमएफ बढ़ता है और धारा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, 5 एम्पीयर की लाइन धारा लेते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का बलागुण उत्पन्न करती है, यदि इस लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पीयर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर रेखीय चुंबकन क्षेत्र से संचालित है तो इसके द्वारा उत्पन्न टॉर्क का मान क्या होगा। डीसी श्रेणी मोटर के अंदर टॉर्क, मोटर के अंदर आर्मेचर और सीरीज फील्ड, ये मोटर है, 5 एम्पीयर की लाइन करंट लेते समय मान लो ये प्लस माइनस से संयोजित है और ये 5 एम्पीयर की धारा ले रही है। अब इसका जो टॉर्क है वो है 10 न्यूटन मीटर, यदि धारा को बढ़ाकर 5 की बजाय 10 एम्पीयर कर दिया जाए यानी 2 गुना कर दिया जाए तो टॉर्क क्या होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि मोटर रेखीय चुंबकन क्षेत्र से संचालित है, रेखीय चुंबकन क्षेत्र का आशय क्या है कि जो जिस तरह से धारा का मान बढ़ाएंगे, फील्ड करंट का मान बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी आई एफ का मान बढ़ाएंगे तो फाई भी आनुपातिक बढ़ेगा, यह है रेखीय। यदि संतृप्त, अब देखो संतृप्त होने के बाद ये रेखीय नहीं रहेगा, उसके बाद में फ्लक्स धारा का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स स्थिर हो जाएगा, तो यह कंडीशन क्या कह रहा है कि रेखीय धारा से संयोजित है, यानी फ्लक्स आई एफ का मान बढ़ा रहे तो फाई भी बढ़ रही है। अब मोटर के अंदर देखो टॉर्क समानुपाती होता है फाई और टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट। अब यदि पहले 5 एम्पीयर है तो इसमें से फील्ड में से भी 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, आर्मेचर में से भी 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, उस समय 10 न्यूटन मीटर है, यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें से 10 एम्पीयर की धारा बहेगी, आर्मेचर में से भी 10 एम्पीयर की धारा बहेगी, यदि फील्ड में से 2 गुनी धारा बहेगी, फील्ड करंट का मान 2 गुना हो जाएगा तो फ्लक्स का मान 2 गुना हो जाएगा, फ्लक्स का मान 2 गुना हो जाएगा तो टॉर्क भी 2 गुना हो जाएगा, तो फाई 2 गुना हो रहा है तो टॉर्क 2 गुना हो जाएगा।
अब आर्मेचर करंट पहले 5 था, अब 10, आर्मेचर करंट भी दुगुना हो गया तो टॉर्क भी दुगुना हो गया। तो टोटल टॉर्क क्या होगा, यानी दुगुना फ्लक्स के कारण होगा, दुगुना आर्मेचर करंट के कारण होगा, फलस्वरूप 2 × 2 = 4 गुना हो जाएगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। यानी डीसी श्रेणी मोटर में टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के वर्ग के, कब तक, जब तक सीरीज फील्ड संतृप्त अवस्था में, यानी फील्ड पोल प्लग यानी फील्ड है वो संतृप्त अवस्था में न आ जाए। तो ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क है आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होगा इस कंडीशन तक, इसके बाद में केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की टॉर्क और आर्मेचर धारा की विशेषता होती है। डीसी मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट, यानी टॉर्क और आर्मेचर करंट की पूछी है फील्ड को और उसको पर, यानी इसने नहीं पूछा है, टॉर्क और आर्मेचर करंट ये अनुपातिक होता है। अनुपातिक होता है तो किस प्रकार से कहेंगे कि कोई भी मोटर है इसके अंदर आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएगी तो अनुपातिक टॉर्क बढ़ेगा। यानी मान लो धारा का मान, इसको आरेख द्वारा भी समझ लेते हैं, मान लो ये टॉर्क, सॉरी ये आर्मेचर करंट और ये टॉर्क है। मान लो कि आर्मेचर करंट का मान 1 एम्पेयर है, टॉर्क का मान मान लो कि 1 न्यूटन मीटर है। यदि आर्मेचर करंट का मान 2 एम्पेयर कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो टॉर्क भी 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यदि 3 एम्पेयर कर देते हैं तो 3 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यदि आर्मेचर करंट 4 एम्पेयर कर देते हैं तो 4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। किसमें, यानी केवल टॉर्क और आर्मेचर की तुलना करते हैं तो। अब देखो मान लो 1, 2, 3, 4, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 और 4, तो टॉर्क हो गया 1, 2, 3, 1 न्यूटन मीटर 2 न्यूटन मीटर 3 और 4, ये है न्यूटन मीटर में और ये है एम्पेयर में। अब देखो एक है तो एक, दुगुना करें तो 2, 3 गुना करें तो 3, 4 गुना करें तो 4, तो ये किस प्रकार से बनेगा, एक अनुपातिक बनेगा। तो इसका जो आरेख होगा वो विशेषता होगी वो क्या होगी, अनुपातिक। इसे अनुपातिक भी कह सकते हैं या रैखिक भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, रैखिक, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, एक मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किस नियम द्वारा समझा जा सकता है। एक मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह है, अब देखो मोटर मान लो कि एक संट मोटर का उदाहरण लेते हैं, ये संट मोटर है, यहाँ मान लो कि 10 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो, यानी ये मोटर प्लस माइनस से संयोजित है, 10 एम्पेयर की धारा ले रही है, तो यहाँ कितना हो गया 10 एम्पेयर। मान लो इस फील्ड में से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो आर्मेचर में से कितनी होगी, 9 एम्पेयर। यहाँ से वापस आर्मेचर से क्या आ रही है, 9 एम्पेयर, फील्ड से क्या आ रही है, 1 एम्पेयर, इधर क्या हो जाएगी, 9 और 1 10 एम्पेयर। तो क्या हो रहा है, इस संगम पर देखो क्या हो रहा है, आने वाली धारा 10 एम्पेयर, जाने वाली धारा 10 एम्पेयर। इस संगम पर क्या हो रहा है, आने वाली धारा 9 और 1 10, जाने वाली 10। तो ये कौन सा हो गया, किरचॉफ का धारा नियम। तो धारा प्रवाह का नियम किसके द्वारा समझा जा सकता है, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार, कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो यहाँ देखो 10 एम्पेयर आ रही है, अब 1 एम्पेयर इधर से जा रही है तो 9 एम्पेयर इधर से जाएगी। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किरचॉफ का धारा नियम है, तो क्या हो गया, किरचॉफ। तो किस नियम द्वारा समझा जा सकता है, किरचॉफ के नियम के द्वारा। तो ये था इससे संबंधित, तो ये कुछ इससे संबंधित था, अब आगे इसी चैप्टर से संबंधित रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।